गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हो रही है पानी को कॉलिन देके, पानी को पौधों को कॉलिन देके, कॉलिन से स्प्रे कर रहे हैं दीपक पौधों को। हियर यू कैन सी। अरे बता दो, पब्लिक कॉलिन से स्प्रे करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, कॉलिन की बोतल में दीपक ने पानी रखा हुआ है पौधों के लिए। मैं इतना बोलती हूँ कि वो ले लो ना स्प्रे करने वाला, बट नहीं, पैसे नहीं खर्च करने। ये भी तो स्प्रे ही है। हाँ, ये तो है, सेविंग्स करते हो ना। बहुत तेज बारिश हो रही है। एम्बर, मौका देख के रिमोट चाहिए। मुंह साफ ही किया एम्बर। हैप्पी मानसून, हैप्पी मानसून टू द मुंबई वाला। हेलो गाइस, बोल दो। तो अभी स्टार्ट करते हैं ब्लॉग आज का। आज ब्लॉग कर रहे हैं हम लोग काफी दिनों के बाद। लाल पीले बने हुए हैं हम दोनों। हाँ, नीचे तो ना, जब इसको उठाती हूँ तो बोलती है मुझे नीचे उतारो, जब नीचे होती है तो बोलती है मुझे उठाओ। 5 मिनट पहले एम्बर साथ में थी और अभी एम्बर सो गई, उसको सुलाया है। और बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। ये इस मानसून की फर्स्ट ऐसी बारिश है कि इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी तो एक दो बार बारिश हुई है, बट उसके बाद गर्मी ही हो गई थी, ह्यूमिड हो गया था काफ़ी। तो पहले मुझे काफ़ी अच्छा लगता था बारिश का, बट फिर भी मतलब जैसे जैसे बड़े होते रहे तो ये लगता है कि होमलेस लोग भी हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो लोग भी हैं, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जब पानी वगैरह भर जाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलो, एक सीज़न है, ये तो आना ही है। तो आज मैं व्लॉग बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। व्लॉग मैंने करा था लास्ट वीक ही करा था, और वीडियो वगैरह जो भी मैंने शूट करी थी वो मैंने लास्ट वीक ही करी थी। ये वीक थोड़ा सा मतलब स्लो था, आपको पता है कि कितना कुछ हुआ है अभी ये पास फ्यू डेज़ में। काफ़ी सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं, देन बॉलीवुड में जो हुआ है, इन चीज़ों ने ज़्यादा अफेक्ट नहीं पहले करा है, बट अभी आई डोंट नो, इस टाइम काफ़ी अफेक्ट करा है। तो एक वर्ड जो काफ़ी बार बार सबको माइंड में आ रहा है, डिप्रेशन। तो मैंने आई थिंक 4-5 मंथ पहले भी बात करी थी आप लोगों से कि आपके माइंड में कभी कोई भी बात होती है, कोई भी टेंशन होती है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। अगर आपको याद होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मतलब कोई जब भी आपका मन करता है, भारी फील करते हो, हैवी फील करता है आपका मन, तो आप मेरे को मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। तो लास्ट टाइम काफ़ी मैसेज आए थे और मैंने रिप्लाई भी करा था। और एनी टाइम जब भी आप मेरे को मैसेज करना चाहो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, क्योंकि आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो दिल में नहीं रखती मैं बात। मतलब मुझे कुछ होता है तो मैं बात कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है मैं सैड हूँ या टेंशन है, स्ट्रेस फील करती हूँ, तो मैं दीपक से या अपनी किसी फैमिली मेम्बर से बात कर लेती हूँ, अंदर नहीं रखती हूँ। बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जल्दी किसी से बात करना नहीं पसंद करते, शेयर नहीं करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात नहीं करना चाहते, तो आप मेरे से बात कर सकते हो अगर आप लाइट फील करोगे तो। अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया अब दिन पर दिन बढ़ रहा है, ठीक है। उस पर क्या है कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि उस अच्छे स्माइलिंग फेस के पीछे वही स्माइलिंग फेस है। तो आई थिंक कि कई लोग, मुझे तो नहीं पर्सनली, बट बहुत लोगों के मैं देखती हूँ दूसरे वीडियोस पे भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स लोग करते हैं। ये बोलना है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए लोगों के लिए, अच्छा सोचिए, लाइफ बहुत शॉर्ट है। सो यही मुझे कहना है, मुझे ज़्यादा स्पीच नहीं देनी तो, जो कि मैं दे चुकी हूँ अभी। तो अभी 3-4 दिन से मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ मैंगो रबड़ी, दीपक के लिए बना रही हूँ। दीपक को बहुत पसंद है, थोड़ी सी शुगर होती है, तो अभी मैंगो सीज़न चल रहा है और वो उस थोड़े दिन में मैंगो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अभी मुंबई में वेदर इसका सीज़न चला जाएगा, तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैंगो रबड़ी बना के दूँ, तो आज वही बना रही हूँ।
तो 1 लीटर मिल्क मैंने यहाँ पे रखा है सिम पे, स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, और इसको तब तक हमें करना है रबड़ी बनाने के लिए जब तक ये क्वार्टर नहीं रह जाता, पाव नहीं रह जाता, बहुत स्लो पे, और बीच बीच में आपको हिलाते रहना है। और इसमें शुगर थोड़ा मैं मिड में ऐड करूँगी, और इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, तो स्लो बनेगा ये। और इसमें मैंने थोड़ा सा पल्प मैंगो ग्रेट कर लिया है और थोड़े पीसेस कर लिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो जब रबड़ी बिल्कुल बन जाएगी, उसको गैस को बंद करके फिर हमें ऐड करके मिक्स करना है, और जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो आप फ्रिज में रख दें और ठंडा करके ये खाएं। अभी मौसम है मैंगो का, तो इन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी बनती है। बट आपको शुगर ही हिसाब से डालनी है, क्योंकि शुगर मैंगो में भी होती है और मीठा फिर ज़्यादा लगता है, तो आप हिसाब से शुगर ऐड कीजिए। और ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी है ये मैंगो रबड़ी। दीपक को भी हेलो बोल देते हैं। हाय, वैसे बोला था ना मैंने, क्यों बार बार आपको हेलो बोलती हूँ मैं, आप तो आते जाते मेरे को पावर। याद है स्टार्टिंग में मैं कैसे हेलो बोलती थी, हाय एवरी 2 मिनट्स के बाद ब्लॉग में, हाय गाइस। वो आप पता क्या करते थे? हाँ, अभी तो आप पूरा एकदम रेडी हो जाते हो, एकदम बाल वाल सेट, मेकअप ऑन, एकदम फुल ड्रेस वेस हो। क्या मतलब मेकअप ऑन? ये 3 2 1 को हाय गाइस, और इधर से स्टार्ट होता है। पहले कैसे होता था कि हमारा पकड़ा हुआ चल रहा है, ऐसी इतना सुंदर मुखड़ा, इतने लंबे घने काले बाल, आप तो मेरे दिल को भा गए हो, मतलब आप तो मेरे दिल को भा गए हैं। अच्छा, लगता है मानसून आ गए हैं। क्या है? तो आज दीपक ने इंस्पायर होके मुझसे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है, इंटेंसिटी वाला। इंटेंसिटी वाला क्लैप क्लैप तालियां तालियां तालियां। वो तो ठीक है, आपने ये मैं पहले ना आया था ना शायद नहीं है पहले ना आया था पर मैं से उड़ता उड़ता बाहर गया था। जब वापस आया घर पे तो किसी ने और मेरी कॉपी करके, मेरे को कुछ याद नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमारी जो परी है छोटी सी, वो सो रखी है, सो गई है, आजकल उसको खाते खाते नींद आने लग पड़ती, झपकियाँ लेती है वो। मैं अभी थोड़ा सा कुछ बता के हटी हूँ डिप्रेशन के बारे में, कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो जब फील करो, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ कि मैं, मुझे कुछ बुरा लगता है, मैं सैड होती हूँ, मैं सीधा बर्स्ट हो जाती हूँ, बात करती हूँ उसके बारे में दीपक पे। और दीपक, हाँ आप मेरे से भी कर सकते हो बात, मैं आपका डिप्रेशन सब उड़ा दूंगा। अभी रात का रूटीन हमारा ना, मैं सुने क्या बोलता हूँ, रात की रूटीन पे एक वीडियो बनना चाहिए, बहुत अच्छी रूटीन है रात रात की जो रूटीन है। अभी रात की रूटीन में थोड़ा चेंज हुआ है, चेंज ऐसे हुआ है कि एम्बर ना, अगर हम रात को एम्बर को डाइपर, जैसे 8 बजे उसको सोना होता है, तो प्रॉब्ली 8 बजे डाइपर कई बार चेंज करते हैं, तो अब वो डाइपर लिखा तो 12 घंटे है, लेकिन वो 12 घंटे निकालता नहीं है, 12 घंटे बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब वो फट जाएगा, मतलब 2 किलो के तरह हो जाता है, पानी ना? पानी ऐसे उसमें गुब्बारा उसमें भर जाता है ना, वो लीक होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही मतलब हम परेशानी में थे इस चीज़ को लेके, तो हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि क्या करें क्या करें, तो अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन ये निकला कि रात को डाइपर चेंज किया जाएगा। तो सोनिया ने बोला कि ठीक है डाइपर चेंज करेंगे, तो मैंने कहा आप कर देना। फिर मैंने थोड़ा ऐसे उदास मुंह बुला के बोला, अगर आप मुझे बोल लोगे तो मैं अभी कर दूंगा। दीपक का पता क्या मतलब है, जब भी कुछ ऐसा काम होता है ना, जानबूझ के ऐसे मुंह बना के बोल देते हैं, क्योंकि मुझे तरस आ जाता है बहुत जल्दी, और दीपक को तरस नहीं आता, तो मुंह बना के बोल देते हैं तो कोई नहीं कर ही दूंगा, और चला आ गया यार एवरीथिंग। लेकिन सोने की शक्ल तरस वाली नहीं है, दीपक की बहुत तरस वाली है, तरस नहीं आता दीपक की, और दीपक की मम्मी की, दोनों की जो फेस है ना बहुत वो है, अर्शदा भी फेस बहुत तरस, मतलब इनकी फैमिली में सबका ऐसा है कि फेस ना तरस आ जाए दूसरे को। ये आर्ट है पता है, इस चीज़ को कला बोलते हैं। चलो खैर वापस मुद्दे पे आते हैं, तो अभी रात को प्लान ये हुआ है कि अब डाइपर जो है सोनिया एम्बर को रात को चेंज करती है, अब रात को 4 बजे 2 बजे 4 3 ऐसे ना, तो गहरी नींद में होते हैं, लेकिन वो टाइम पे एम्बर उठ भी जाती है, तो वो उसको उसके बेड से उठा के हम लोग अपने साथ डाल लेते हैं। हाँ। क्या होता है कि एक एम्बर की जो डायपर वाली टोकरी है वो रहती है मेरे पास, और एम्बर
मैं इधर सोता हूँ बीच में एम्बर और उधर सोनिया, और डाइपर वाली टोकरी मेरे पास। और अब सोनिया रात को कूद के तो आ नहीं सकती, सोनिया मेरे को बोलती है तो मैं डाइपर पकड़ा देता हूँ। अब इसमें होगी एक समस्या अभी समस्या क्या हुई है कि पहले तो जैसे क्या होता था, अब रात को चलो आदमी को भी बाथरूम आ जाता है, मुझे आ जाता है, सोनिया को आ जाता है बाथरूम, तो जाने हर किसी को आता है बाथरूम। तो इन केस एम्बर मेरे साथ पड़ी है तो सोनिया मेरे को ऐसा हिला देगी, तो मैं समझ जाऊँगा ना, मैं ऐसे एम्बर को पकड़ लूँगा कि भाई पलट के उधर ही ना चली जाए ना, नीचे ना गिर जाए। तो दूसरा कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा खिसक जाता हूँ उस तरफ को, तो सोनिया को सोने की जगह नहीं मिलती मेरे को। सच्ची में दोनों दोनों बाप बेटी जगह नहीं देते सच्ची में। सोनिया मेरे को ऐसा पीछे पुश ऐसे उधर उधर, तो कई बार मेरे को गुस्सा था कि मैं फेंक दूँ जोर से, हाँ मेरे को दोनों जगह ही नहीं देते जब मैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ सोनिया बोल रही है थोड़ा उधर हो जाओ। अभी हालात ऐसे हो गए हैं, सोनिया मेरे से कुछ भी पूछ ले उसका आंसर डाइपर है। उस दिन सोनिया बोली उल्टा मेरे को, शायद बोली सोनिया बाथरूम में मेरे डाइपर उठा के, हाँ जो बेइज्जती है हर चीज का, ऐसे सोते हुए ये ले डाइपर, ये ले डाइपर। उस दिन बोली थोड़ा उधर हो जाओ, डाइपर उठा के फिर मार दी। तो अब हर सवाल का जवाब डाइपर हो गया है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रात को दिमाग तो चलता नहीं है। अब एक दिब्बा का नहीं चलता, मेरा चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दे दिया है कि बॉस डाइपर देना है ना, अब जब डाइपर मांगेगी सोने तो तुम डाइपर दूंगा, उसके अलावा कुछ और होगा तो उसका भी आंसर डाइपर ही होगा। आजकल क्या होता है कि जब किसी का बेबी होता है ना किसी के, तो दीपक ऐसे उनको कांग्रेट्स करते हैं, हाँ भाई कांग्रेट्स, चलो अच्छा है, हाँ ध्यान रखना डाइपर चाहिए, अच्छा स्लीपलेस नाइट स्टार्ट हो, हैप्पी स्लीपलेस नाइट्स। मैं बोलती हूँ कि आपने तो कभी स्लीपलेस नाइट देखी नहीं है, हमेशा तो अब तक तो मैं ही कर रही हूँ एम्बर के लिए, कभी आपको उठाया ही नहीं, आज तक नहीं करा। मतलब उनको ऐसे विश करते हैं भाई चलो कोई नहीं अब होगा, रात को जगना पड़ेगा भी आपको, जैसे आप खुद बहुत जगे हैं। अब बोलने को तो चाहिए ना कि बॉस हम भी छोटे बच्चे वाले हैं, हम भी जागे हैं, अब मैं पूरी दुनिया को थोड़ी बताता फिरूंगा कि मैं रात को नहीं। आज तक एक सिंगल डे भी मम्मी हाँ मम्मी भी आए थे दीपक के मम्मी, जब 10-15 दिन थे तब उनको भी नहीं मैंने उठाया, ठीक है डिस्टर्ब करा। फिर मेरे ब्रदर भाभी आए उनको भी नहीं मैंने उठाया, फिर मेरी मम्मी आए उनको भी नहीं मैंने उठाया, मैंने आज तक किसी की हेल्प नहीं ली, मुझे लगता है कि मैं खुद ही कर सकती हूँ। ये गंदी बात भी है बहुत, पता नहीं बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है ना, नहीं आपके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अच्छा आपने मेरे को काट दिया, मैं अभी आप कुछ बोलने लगा था आपके, आपका अच्छे आपके बारे में अच्छा बोलने लगा था ताकि सबको पता लगे कि आप कितने अच्छे हो, अब आपने बीच में बात काट दिया, मैं बोलू या ना अच्छा मतलब को बेइज्जती होगी पक्का। अरे बेइज्जती तो कर दी अब भी तो अच्छा अच्छे का पूछ रहा हूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ? बिल्कुल बोलो। तो गाइस तारीफ के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब अगर मैं बोल दूँ कि मेरे को ये खाने का मन कर रहा है तो वो चीज़ जो भी है सोनिया बना देती है, चाहे आसमान फाड़ के चाहे ज़मीन खोद के वो करना हो, लेकिन सोनिया करके मेरे को देती है वो खाने को। इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लग रहा है कि नकली सी तारीफ कर रहे हो, मतलब दिल से कर रहा है। ये होता है कि नहीं होता है, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? मतलब मैंने अगर बोल दिया कि अरे यार ये खाने का मन कर रहा है, आप बनाते हो कि नहीं बनाते? हाँ क्योंकि दीपक बोलते कम है तो इसलिए फिर मैं बोलता यार बेचारा बोला है तो बना ही देती हूँ। तो अभी बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत जोर शोर से, आज काफी टाइम बाद बारिश हुई है ना, इतनी मानसून आ गए, अभी बारिश ही होगी बहुत दिनों बाद, बहुत ज्यादा दिखेगी आपको, अब आपको सूरज नहीं दिखेगा। नंबर डैडा बुला रहे हैं, डैडा बुला रहे, लिसन टू डैडा, गो गो लिसनिंग Bathing, bathing, walking, crawling, hugging, sleeping, brushing. Smiling. Yes.